और वजीर आला पंजाब की बात करेंगे। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कप्तान के इल्जामात पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ 26 अरब हर्जाने का दावा करूंगा, फ्रंटमैन के हवाले से अदालत ने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो सियासत छोड़ दूंगा, एक ढेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो 20 करोड़ आवाम का मुजरिम होगा। इतने घटिया और बेबुनियाद इल्जामात लगाना, ढेला भी करप्शन साबित हो जाए, मैं 20 करोड़ आवाम का मुजरिम होगा, मैं अदालत में जा रहा हूँ खुद। इमरान खान के इल्जामात का जवाब देने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जावेद सादिक पर कमीशन लेने का इल्जाम बेबुनियाद है। जावेद सादिक को आईटी टावर का ठेका काफ लीग की हुकूमत में दिया गया। खान साहब ने झूठ और दरोगोई की इंतहा कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 26 अरब 54 करोड़ रुपए हर जाने का दावा करूँगा, जिसका जवाब 14 दिन में देना होगा। मैं अदालत में जा रहा हूँ खुद, इनको वो मैंने अपने लॉयर से पूछ लिया है, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। मैंने कहा यार कोई तरीका है, बाखुदा अभी आधा घंटा मैंने पूछा कि तरीका है कि 14 दिन को मैं कोई हम इसको अवॉइड कर सके ताकि वक्त बचे, कौम का वक्त बचे। उनका नहीं जी, ये 14 दिन इज मैंडेटरी। शहबाज शरीफ का कहना था कि अलीम खान बेवाओं की जमीनों पर कब्जा और जहांगीर तरीन ने कर्जे माफ करा कर पाकिस्तान को गरीब किया और खुद अमीर बन गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को पेश कर दिया, धरने का कोई जवाब नहीं। इमरान खान सीपैक की मुखालफत में मोदी से भी आगे निकल गए। गरीब कौम की खून पसीने की कमाई का एक ढेला भी करप्शन का साबित हो जाए तो खान साहब आप तो छोड़ दें, मैं 20 करोड़ आवाम का मुजरिम हूँगा।